तो दोस्तों थंबनेल तो आपने सुना होगा, लेकिन प्रोफेशनल थंबनेल कुछ बात अलग होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप प्रोफेशनल थंबनेल बनाकर अपने व्यूज़ कैसे बढ़ा सकोगे। तो यार पिक्सल लैब से मैं आप ये इसको बनाकर बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या क्या करना है, वीडियो को तो पूरी देखना ही है और लाइक डिसलाइक ये सब कुछ बाद में करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ये आइकन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करना है ये 2 पेज वाला, और फिर इसका इमेज साइज सेलेक्ट कर लेना है। और इमेज साइज यहाँ पर 12 ये यूट्यूब थंबनेल कर लेना है कस्टम पर क्लिक करके। तो यहाँ पर फिर आपको ओके कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पर इसको आपको कलर जो बैकग्राउंड कलर है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आप ये वाला कलर सिलेक्ट करें, ये काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है कि हम प्रोफेशनल थंबनेल की बात कर रहे हैं तो इसमें ये अट्रैक्टिव कलर रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमको ए वाले ये आइकन है ना, ए लिखा रहा है, यहाँ पर जाना है प्लस टेक्स्ट सेट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर टेक्स्ट सेट का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम हमारा टेक्स्ट सेट जो है वो लिख देंगे, जैसे कि हमें लिख रहा हूँ हाउ टू मेक ए प्रोफेशनल थंबनेल। दोस्तों लिखने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है और यहाँ पर आपका जो ये लिखना था हो गया। अब देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी साइज को बड़ा लेनी है। यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरी स्क्रीन में जाए इसकी ऐसा कर देना है। देन आपको यहाँ पर ये एडजस्ट करके फिर आपको यहाँ पर जाना है इस वाले आइकन पर, इस पर क्लिक करके फॉन्ट्स पर। तो फिर आपको जाना है यहाँ पर ये फॉन्ट से लिखा रहा है यहाँ पर जाना है, और फिर देन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा ये आर्म वेरेस्टर कलर ये आपको सिलेक्ट करनी है जो कि आपके थंबनेल को काफ़ी अट्रैक्टिव बना देगी। दोस्तों इसको यहाँ पर आपको बहुत सारी और भी मिल जाएगी फॉन्ट्स, लेकिन ये काफ़ी प्रोफेशनल आपके थंबनेल का लुक बना देगी यार, तो देखने वाला क्लिक जरूर कर देगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर इसका कलर सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसका येलो कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको राइट कर देता हूँ। आप और भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर आपका इसका बैकग्राउंड ऑन कर लेना है। यहाँ पर आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं ब्लैक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और देन आफ्टर आपको यहाँ पर स्ट्रोक को बिल्कुल इनेबल कर लेना है, क्योंकि इससे आपका जो कलर है बिल्कुल लुक में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो इसको अट्रैक्टिव बनाए वैसा कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर टेक्स्ट बैकग्राउंड पर जाना है, और फिर यहाँ पर यहाँ पर नीचे रेड्यूस यहाँ पर क्लिक करना है, जिससे कि यहाँ पर पीछे की तरफ ही इसके जो कोने हैं वो गोल हो जाएंगे, जो कि देखने में काफ़ी कमाल के लगेंगे। और फिर आपको यहाँ पर ये यह हमारा ऊपर की जो हेडिंग है लाइन वो बन चुकी है, और इसके बाद हमको यहाँ से फिर आपको यहाँ पर इम्पोर्ट पर क्लिक करके गैलरी में से एक कोई सा भी PNG इमेज सिलेक्ट कर लेना है। PNG इमेज कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और आपको इसको एडजस्ट कर लेना है अच्छे से, और इसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रोक को इनेबल कर देना है, जिससे कुछ ये अट्रैक्टिव दिखेगा। आप इसको अपने हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको एक और इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मैं पिक्सल लैब से बना रहा हूँ, तो आप वैसा ही उसका लोगो डाउनलोड करके यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर ले, और इसके बाद यहाँ पर इरेज कलर पर क्लिक करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको PNG फॉर्मेट में चेंज कर ले। तो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर इसका कलर चेंज करना है, यहाँ पर ब्लैक कलर हटाना है, तो मैं ब्लैक कलर चूज करके ओके कर देता हूँ। और ये यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कलर हट चुका है, और इसको ओके करके इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं और कुछ लिखता हूँ, जैसे कि पिक्सल लैब से आकर्षक थंबनेल कैसे बनाएं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया है, लिखने के बाद मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको कॉर्नर पर क्लिक करके डबल लाइन बनाकर अच्छे से इसको बना लेता हूँ, और यहाँ पर इसकी फॉन्ट को फिर से मैं वहाँ पर आर्मस वेस्टर इस पर क्लिक करके अच्छे से बना लेता हूँ। और देन फिर आपको स्ट्रोक और शैडो तो बढ़ा ही देना है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रोक को इनेबल कर लेता हूँ। स्ट्रोक कहाँ गया, पहले टेक्स्ट साइज को बढ़ा लेता हूँ मैं, और फिर ये अच्छे से एडजस्ट होने के बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी कमाल का दिख रहा है ये। और इसके बाद हमको क्या करना है, इसका जो है
स्ट्रोक है ना उसको इनेबल करना है, ये आपको हर एक इसमें करना है, स्ट्रोक और शेडो तो आपको हर एक इसमें इनेबल करना है। और जो एबी फॉन्ट से अर्मेस वेस्टर क्या है वो आपको हर एक इसमें इनेबल करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो करी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। और इसको यहाँ पर ऊपर क्लिक करके सेव अस इमेज करके PNG फॉर्मेट में चेंज कर लेना है और क्वालिटी इसकी अल्ट्रा कर लेना है ताकि ये अच्छे से दिखे और आपका थंबनेल बिल्कुल प्रोफेशनल लगे। तो यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी कर लेना है। ये सेविंग हो रहा है अभी इमेज। यार वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो भी कर दो। देख दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने इसको जैसा कस्टम थंबनेल बना लिया है, इसको अपनी वीडियो में यूज करके। तो यहाँ पर आपका थंबनेल बन गया है, इस पर अच्छे से क्लिक आएंगे, प्रोफेशनल थंबनेल बनाता सिखाया है। तो यार मेरे पर भी कुछ कृपा करो।